अगर 1,36,000 करोड़ का बकाया जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला और सब राज्यों को मिलता है, अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया आज हमको मिल जाता तो इस रात के 7 पीढ़ी को हम लोग बैठा के खाना खिलाते। तो निश्चित रूप से 2025 में हम इस राज को उस जगह पर ले जाके खड़ा करेंगे जहां ये राज को किसी का बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार करती है। बोल रहा है कि ये वृद्धा पेंशन हम लोग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, राशन भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अरे वाह, 16 रुपया प्रतिदिन दे करके पीएम किसान सम्मान योजना चलाते हैं। 16 रुपया में तो एक किलो नमक भी आज के दिन नहीं मिलता। 16 रुपया में तो आदमी को मारने के लिए जहर भी नहीं मिलेगा, यह स्थिति है। अभी यहां आने से पहले हमें सर्किट हाउस में एक विपक्ष की नेत्री मिल गई और अपनी समस्याओं का 8-10 पन्ना लिख करके हमको दी। हमने कहा विधायक जी चलिए वहां शिविर लगा है और वहां अपनी बातों को रखिए, सरकार हर व्यक्ति की बातें सुन रही है। ये सरकार जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार करती है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको कल जवाबदेही है, कल आप गांव में वोट मांगने कैसे जाइएगा? तो बड़ा हाथ जोड़कर बोली बेचारी, क्या बोले, पार्टी का आदेश है, हम नहीं जा सकते। ये पार्टी का आदेश है क्या कि गरीब गुरुआ को मदद ना करो? क्या उनके लोग बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं है जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनके लोग ऐसे नहीं है जिनके बेटे बेटियों को सावित्रीबाई फूले की योजनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उनके साथ वो लोग नहीं है जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको सड़क पुल पुलिया नहीं चाहिए? क्या पीने का स्वच्छ पानी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिनके पास पैसा है वही उनके साथ। लेकिन हमारी साथी यहां पर बैठे हैं, हमारा परिवार यहां बैठा है और इन गरीब परिवारों का सुख दुख, उनके हर तकलीफ में हमारी सरकार खड़ी है। कभी आप लोग सोचे, अभी तो कई लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और आपने देखा उन जगहों पर मुखिया लोग क्या बोली। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं सच बोल कि झूठ बोल रहे हैं। हम इसीलिए हम यहां कभी भी मंचों में जाते हैं तो वहां आए लोगों से मैं सवाल पूछता और मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्या कभी कोई पदाधिकारी आपके पंचायत आपके गांव में जाता था क्या पहले आज से? क्या घर घर में जा करके कोई वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाता था? कोई विधवा पेंशन देता था? कोई विकलांग पेंशन देता था? कोई नहीं देता था। लेकिन आज
वही पदाधिकारी आपके दरवाजे में आके खड़ा है और आपका अधिकार का गठरी लेके खड़ा है। आप अपना अधिकार को अपने हाथ से उठाइए और अपने घर में लेके जाइए। आने वाला समय में अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, चाहता है, अगर पत्रकार बनना चाहता है, चाहती है, या इंजीनियर बनना चाहती है, चाहता है, या वकील बनना चाहता है, चाहती है, अब आपके सामने पैसे की समस्या नहीं होगी। आपको जो भी पढ़ाई पढ़ना है आपको पता है, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, लाख लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख। बेचारा इंजीनियर डॉक्टर तो दूर की बात है, बगल का कॉलेज में बेचारा डिग्री पाले यही बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब वो सपना आपका पूरा होने के लिए तैयार है। आपको पढ़ाई के जितना खर्चा होगा उसका आर्थिक सहायता के रूप में सरकार आपको पैसा देगी। आने वाला चुनाव के बाद ये राज 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इस राज को बीमारू राज बना दिया। लेकिन विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने इस राज के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और इस राज में जो ताकत भरने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से 2025 में हम इस राज को उस जगह पर ले जाके खड़ा करेंगे जहां ये राज को किसी का बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला और सब राज्यों को मिलता है, अगर वो 1,36,000 रुपया हमको मिल जाता तो इस राज के 7 पीढ़ी को हम लोग बैठा के खाना खिलाते। लेकिन ये लोग कहां से, ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। आज आप देख लीजिए और बड़ा चतुराई से आपका जमा पूंजी लूट लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आज गैस सिलेंडर जो मुफ्त में महिलाओं को बांटा था, वो बेचारा आज गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि मुफ्त का सिलेंडर अब घर का एक कोना में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बड़ा सा खांचा रखा हुआ है, उसमें कुछ कचरा रखता है लोग, कोई गरीब नहीं खरीद पाता। महंगाई आसमान छू रहा है, आलू तेल के लिए लोगों को लाइन में, सरकारी दुकान के लाइनों में लगना पड़ता है। और 2014 से लेकर आज तक पूरा देश का लोग विभिन्न समस्याओं से सिर्फ कतारों में ही लगे हैं। कभी नोटबंदी कर दो, कभी अनाज महंगा कर दो, कभी उल्टे सीधे ऐसे कानून को नीति निर्धारण करो कि इस देश का लोग तबाह तबाह रहे। सिर्फ चुनावों में झूठे वादे करते, सभी को नौकरी देंगे, नौकरी कहां मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र का सबसे अधिक युवा देश का फौज में नौकरी करने जाता था, लेकिन फौज की नौकरियां बंद। अब आ गया अग्निवीर और अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए आपको नौकरी देगी, फिर सड़क में आ जाइए। और गांव का ही थोड़ा माँ बाप गाय बकरी बेचकर अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाता था तो लोग बैंकों में नौकरी करने जाता था, लेकिन बैंक की स्थिति ऐसी कर दी कि जहां 100 बैंक हुआ करता था वो अब गिना चुना बैंक रह गया है, सबको एक साथ मिला दिया, अब नौकरियां भी उसमें खत्म। उसके बाद थोड़ा पैसा कमाने वाला अगर कोई किसान है, अगर उसका बेटा पढ़ लिया तो देश का रेलवे में नौकरी करने जाता था, अब रेलवे का स्थिति देख लीजिए, यहां एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिकने की तैयारी में है, बंदरगाह बिक गए, सारे बिक गए, सारे हाथों में अपने व्यापार
को इन लोगों ने सौंप दिया। और हमको तो पता चला है कि ये लोग गांव गांव में झूठा प्रचार करने में भी लगा है, बोल रहा है कि ये वृद्धा पेंशन हम लोग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, राशन भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अरे वाह, 16 रुपया प्रतिदिन दे करके पीएम किसान सम्मान योजना चलाते हैं। 16 रुपया में तो एक किलो नमक भी आज के दिन में नहीं मिलता है। 16 रुपया में तो आदमी को मारने के लिए जहर भी नहीं मिलेगा, यह स्थिति है। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.